एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने डिसाइड करा था कि हम एक ऑर्गेनिक की बुक स्टार्ट करने वाले, कौन सी? मॉडर्न मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय विलियम कैरुथर्स। तो इस पर्टिकुलर बुक में ना ऑर्गेनिक के 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है आपको भी समझ में आएगा अगर आप ना इस बुक के थ्रू एक बार गो थ्रू करोगे ना बुक को, आपको समझ में आएगा। इसके डायरेक्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, डायरेक्ट आपके कॉपी पेस्ट होते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में। अगर कभी देखो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना एक बार, और फिर धीरे इसको बस ऐसे पेज पलट लेना, सिर्फ आपको दिखेगा वही क्वेश्चन आप अभी देख कर आए हो ना ऑर्गेनिक में, वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत सारे 4-4 मार्क्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ ना बुक के एग्जाम्पल ही कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब सेम एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल उठ के पेपर में आ जाते हैं। आज मैं देखती इस चैप्टर के ना प्रीवियस वो लास्ट में जो मेरे पास होते हैं एक्सरसाइज, जो इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम है लास्ट में गिवन है, उसमें से ना वो 14 या 15 प्रॉब्लम्स के आसपास है इस चैप्टर में। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो सोचो जब 14 क्वेश्चन में से 4 आ चुके हैं ना, तो 10 भी आएंगे कभी ना कभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक को पढ़ना। कहाँ से आते हैं क्वेश्चन? आएंगे तो मिशा बुक से ना, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होने वाले हैं। तो मेन पॉइंट है कि बुक तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो फर्स्ट चैप्टर है ये 100 पेज का चैप्टर है। अब 100 पेजेस पढ़ेगा कौन, है ना? बहुत बोरिंग लगता है ऐसे पढ़ना लाइन बाय लाइन, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी भी लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स तो एक पेज पर 4 दिखते हैं, बाकी सारी थ्योरी लिखी होती है, तो उसको पढ़ने में बहुत बोरिंग हो जाता है वो सब, है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आपको मैं ट्राई करूँ थ्योरी तो मैं वैसे नहीं पढ़ाती, कभी भी थ्योरी पढ़ाऊंगी भी नहीं, डायरेक्टली ना एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। आज मैं 4 से 5 पेजेस कवर करूंगी इस वाली क्लास में, उनको ना मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगी। आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर लें। उसमें क्या बेसिकली क्या मिलने वाला है, जो हमने कवर किया ना आज, वो वाले आपको मिल जाएंगे। आपको ना नोट्स वाले से बनाने की नीड नहीं है, चाहो तो बना सकते हो। हाँ गाइस, एक और चीज़ है, क्योंकि देखो ये टोटल बुक ना अराउंड 500 पेजेस की है, तो अगर आप जाओगे ना इसको पूरा पढ़ने बार बार, तो बहुत मुश्किल से सिर्फ एक ही बार कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें ना या तो नेट के लिए पढ़ना है, फिर गेट के लिए पढ़ना है, क्या करना है, 6 महीने में कंप्लीट करना है सिलेबस। तो अगर आप पढ़ने बैठ गए ना, तो 6 महीने में 500 पेजेस ही खत्म होंगे। मान लो आपने 2 महीने में निपटा दी, हो सकता है 1 महीने में निपटा दो, अगर सीरियसली पढ़ने पे आओ तो निपटा दी। अब होगा ये कि 500 पेजेस तो निपट जाएंगे, दोबारे कभी हिम्मत नहीं होगी उसको वापस पढ़ने की। अगर आप अंडरलाइन भी कर लोगे तो भी उसको वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? अगर एग्जाम में उससे पहले रिवाइज करके नहीं गए तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। क्या इसका ऑप्शन है, क्या बेटर हो सकता है इससे? बहुत सिंपल सी बात है, 500 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस हम नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमें 6 महीने में मैक्सिमम 1 ईयर में प्रिपेयर करके एग्जाम देना है, अच्छे रैंक लेकर आने, वहाँ पे क्वालिफाई करना है पेपर को। तो ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ते रहेंगे, इतना टाइम होता भी नहीं है। क्या करोगे आप, जो ये 500 पेजेस की बुक है इसको कुछ भी करके 150 पेजेस में निपटा दो। आपने सुना होगा बंदों को ये बोलते हुए कि मैंने क्लेडन 10 बार पढ़ी है, मैंने कैरुथर्स 5 बार पढ़ी है। वो कैसे बोलते हैं, आपको क्या लग रहा है वो बार बार पढ़ते हैं 5-5 पेज ऐसे करके? नहीं, बार बार नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता बार बार। क्या होता है, एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, उन नोट्स को बार बार पढ़ते रहो। आपने 500 पेजेस को अपने अकॉर्डिंग 150 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। मैं ये बोल सकती हूँ मैंने कैरुथर्स को 6 बार पढ़ा है, आपको क्या लग रहा है बार बार ये 500 पेजेस पढ़ना? नहीं, पहले नोट्स बनाए, ठीक है, 100 पेजेस में निपटा दिया, और बस उसको पढ़ते रहो बार बार, जब टाइम मिला उसको रिवाइज कर लो। 100 पेजेस को पढ़ना पॉसिबल है, उसको पढ़ा जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 500 को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ खुद के नोट्स बनाओ। अब मुझे ये मत कहना कि अपने नोट्स अपलोड कर दो, क्योंकि देखो मेन पॉइंट ये है, हम सबका लेवल अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही मेरा लेवल कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है, बस ये होता है जैसे कुछ चीज़ें हो सकता है जो मुझे लगना कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मुझे क्यों लगी, क्योंकि हो सकता है मुझे वो नहीं आता, मैं बार बार उसमें मिस्टेक कर देती, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको वो चीज़ बहुत आराम से आती है, आपको पता चाहिए तो ऐसे होता है मुझे पता है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हो सकता है ना। हो सकता है आप जिसमें अटकते हो उसमें मैं ना अटकती हूँ, ऐसा होता है कि मुझे तो आता है आपको ना आता हो, तो वो वाली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन पॉइंट वही होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग लेवल पे है, तो किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा, किसी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो मेन पॉइंट क्या है, आपको खुद के अपने खुद से नोट्स बनाने हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि आपको हो सकता है कोई बेसिक पोर्शन आपको ना आता हो मुझे आता हो, हो सकता है कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपको आता हो मुझे ना आता हो मैं वो लिखूंगी। तो मेन पॉइंट क्या है, नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, खुद से बनाओ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ये वाला पॉइंट ये सोच के लिखा था, ये नहीं किसी और ने नोट्स बनाए तो पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा। नोट्स अपने अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो आपको सजेस्ट ये करूँ, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपने ये बुक पहले पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी या फिर कहीं और से चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, आप इसको रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है इनोलेट केमिस्ट्री क्या है, आपको पहले से पता है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसको वापस से एक बार रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो। जिसने नहीं पढ़ रखा वो एकदम स्टार्टिंग से कंटिन्यू करके साथ साथ नोट्स बना लो। बस ट्राई करना नोट्स को ना पूरी बुक को 500 पेजेस कुछ भी करो 150 पेजेस में निपटा दो। पता क्या होता है उससे, एक पेज है आपने क्या करा, इस पे ऐसे लाइंस डाल दी, बस 4 क्वेश्चन लिखे, आपका पेज खत्म हो गया। अभी कोई इशू नहीं, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत टाइम बाद पता चला 500 की तो बुक है, 500 पेजेस की, आपने 1000 पेजेस भर दिए, है ना? उससे होगा क्या कि मुझे अभी 1000 पेजेस रिवाइज करने नहीं कर पाओगे। इससे बेटर पता क्या होता है, इसी पेज पे छोटा लिखो, राइटिंग को छोटा रखो, ऐसे करके जो इसके 5 पेजेस को एक पेज पे लिख दो,
पता क्या होता है, फिर हमारे माइंड से क्या सोचेगा कि सिर्फ एक ही तो पेज पढ़ना पढ़ लेंगे, चाहे वो एक पेज पे पांच पेजेस का सामान लिख रखा हो कोई बात नहीं, बट वो है तो एक ही पेज ना। तो ऐसे होता है कि हमारा माइंड करेगा मैं एक तो पढ़ता हूँ, पांच नहीं पढ़ने वाला हूँ, ऐसे करके ना साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो देख लेना अगर ऐसा करते हो तो अच्छा लगेगा मतलब आपके लिए। तो पहले समझ लो सारी चीज़ों को, उसको फिर शॉर्ट में लिख लेना, बहुत हेल्प होने वाली है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। देखो ये वाला चैप्टर एमएससी लेवल पे या फिर मतलब बीएससी लेवल में मान लो कोई बहुत मतलब वो नहीं है, कुछ नया चैप्टर नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको बोलूँ आप ना कुछ भी करो, ट्वेल्थ भी पढ़ के आए हो, बीएससी भी पढ़ कर आए हो ना, कुछ ना कुछ तो बीएससी में पढ़ रहे हो सकता है, आप ना कुछ भी करो मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दो। अब क्या करना है आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कुछ भी करो, कैसे भी बनाओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दो। ऐसे कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट, चाहे वो एमएससी का हो, उसने एल्डोल रिएक्शन पक्का पढ़ी होगी, उसने एल्डोल रिएक्शन पक्का पढ़ी होगी, है ना। अगर हम बात करें एमएससी लेवल पे, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको बनाना है कार्बन कार्बन बॉन्ड तो आप कौन सा रिएक्शन करोगे, तो मेरे माइंड सबसे पहले कौन सी आती है, कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले माइंड में आती है कपलिंग रिएक्शन से हो सकता है, कपलिंग रिएक्शन से हम कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, एल्डोल रिएक्शन से बन सकता है। इससे भी बेसिक जो हम ट्वेल्थ में भी पढ़ लेते हैं, कौन सा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो बोलते हैं ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट, उससे भी तो बन जाएगा। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा, सपोज करो मैंने ये लिखा है, यहाँ पर मैंने कीटोन लिखा है, ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया सपोज MeMgBr। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, ये हमें यही तो मिलता है यहाँ पे, करते हैं ना ओ एम जी बी आर, और यहाँ पर सी एच थ्री पहले से दो, एक और मिथाइल आ गया, ये आ गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि हमें ये कार्बन और ये, इसको हम बोल रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इस चैप्टर में हम सारी रिएक्शन ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसमें ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्चुअल में होती है। ऐसे कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, कौन से मेथड्स हो सकते हैं, आपको लाइन से सब कुछ याद करने की नीड बिल्कुल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन से वाली रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत इजी होता है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना होता, बस आपके सामने क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर दो खत्म। कुछ ऐसे नहीं पांच मेथड होते हैं ऐसे कर सकते, ऐसे नहीं करना कुछ भी, आपको सिर्फ ना इसने ना कॉन्सेप्ट ये है, घुमा फिरा कैसे मर्जी पूछे हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला बॉन्ड बना है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है बेसिकली कि ऐसे वाले रिएक्शन कितने हो सकते हैं। एक मैंने लिखा है कपलिंग रिएक्शन, एल्डोल हो गई, ग्रिगनार्ड हो गया, कपलिंग में कौन सी, एक तो मैंने आपको करवाई भी है कपलिंग, हैक कपलिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। गाइस एक और चीज़, ये बुक वाली सीरीज है ना, मैं जितना भी कुछ बोलूंगी ना, ये वाले मैंने करवा रखा है पहले, ये हमने पहले कर रखा है, कहीं पे भी कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे आपकी वीडियो खत्म होगी ना, एक बार डिस्क्रिप्शन पक्का चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये वाले कुछ रिएक्शंस हैं। अब इससे पहले ना डायरेक्टली हम आप जंप कर जाएं, हम कपलिंग रिएक्शन सारी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में इससे क्वेश्चन देने को मिलता है। प्रॉब्लम ये होती है हम ना पहचान नहीं पाते कि इस वाली रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, हमें नहीं समझ में आता कि इस वाली रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें पहले पहचानना है कि कौन से है वो एल्डोल रिएक्शन है, बिगिनर तो हम पहचान ही लेंगे, अब इनको भूल जाओ। अब ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक चीज़ देखना, बहुत ही कॉमन सी बात है, आपने पढ़े होंगे टोटोमर्स, आपने पढ़े होंगे टोटोमर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ कि हमारे पास लेट्स से एसीटोन है, ठीक है, हमारे पास एसीटोन है, ये इसको ना मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ऐसे दिखा सकती हूँ OH, और ये CH2 और ये CH3, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। क्या है ये, अगर देखा ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे कीटोन है ना ये, इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को, इन लगाते ना वर्ड, इन लग गया कि क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, क्या बन गया ये, इन ओल, इन ओल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं क्या बोलोगे इसको, प्रोपीन बोलोगे, है ना, प्रोपीन बोलोगे ना, वो इन यहाँ से आ गया, मान लो हमने ये लिखा CH3OH, क्या ये मिथेनॉल, तो यहाँ से ओएल मिल गया और यहाँ से हमें इन मिल गया, मिला के क्या बना दिया, इनोल। तो ये हमारे पास इनोल फॉर्म है, कौन से फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, अगर हम इनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें,
इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इसकी जो परसेंटेज है, इनोल की जो परसेंटेज क्या है, लेस देन वन परसेंट. ठीक है, ओके. अब इसे सुनो, हमने अभी इतना लिखा है, और अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा यहां पर CH2, या फिर काम कर दो, हटाते हैं यहां से, सपोज हमने ये लिखा, अभी एस्टर लिखेंगे, ठीक है, हमने ये लिखा यहां पे, लेट्स से CH3 एस्टर हो गया. अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले केस में भी क्या होता है, इस वाले केस में यहां से मैं समझा सकती हूँ उसको OH, और ये डबल बॉन्ड पे आया CH2, और ये OCH3, ये हो गई इसकी कीटो फॉर्म, ये हो गई इसकी इनोल फॉर्म. ठीक है, अगर फिर से बात की जाए इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, तो फिर से वही रिजल्ट है, जो हमारे पास ये है, जो इनोल फॉर्म है उसकी परसेंटेज इक्विलिब्रियम पे लेस देन वन है, लेस देन 1%. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगर मैं ये लिख दूं CO CH2 CO OCH3, या फिर काम करते CH3 लेते हैं, सिंपल, ये हमने ये लिखा, इस बार फिर से हम बना सकते हैं क्या इनोल फॉर्म? ओके, अब देखो मैंने ऐसे दिखाया इसको, ये डबल बॉन्ड OH CH3, फिर से हमने बनाई क्या इनोल फॉर्म, और इस बार अगर देखी जाए इसकी परसेंटेज, ये कीटो फॉर्म हो गई, कौन से अपने पास इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म. ठीक है, तो इस बार ना ये है ग्रेटर देन 50%. अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, तो इस बार जो इनोल फॉर्म है वो 50% से भी ज़्यादा है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या डिफरेंस है इन तीनों एग्जांपल्स में, ऐसा क्या डिफरेंस है इन तीनों एग्जांपल्स में कि यहाँ पे तो ग्रेटर देन 50 जा रहा है, यहाँ पे तो लेस देन 1 जा रहा है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो ये बहुत ईजी है, बहुत बेसिक भी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वाला पोर्शन क्लियर होना, वरना फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और मेरे लिए बहुत बेकार सा चैप्टर है, कुछ समझ नहीं आता, हमारे बेसिक वीक है, हमसे पढ़ा जाता, हमें ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगती है, क्यों? क्योंकि हमारे हमें ना यहाँ पे फंस जाते हैं. ओके, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. देखो मेन पॉइंट क्या है, हम ये बनाते कैसे हैं. अगर मैं यहाँ पे एसीटोन लिखूं, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या बन रहा है अपने पास, यहाँ पे आएगा OH, कौन सा एच है, ये वाला एच है, और यहाँ पर आया CH2, और ये है CH3, ऐसे बन रही है इनोल फॉर्म, ऐसे इन सब में बन रही है. तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये वाला एच है ना, ये वाला एच इसके ऊपर कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सब में स्टेप तो कॉमन ही है, सब में ये तो करना है, इसको ब्रेक करवाएंगे इधर, यहाँ से एच निकाल देंगे. अच्छा गाइस, एक और चीज़ देखो, अगर मैं ये लगा दूँ यहाँ पे, मान लो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे करके ना, कार्बन है यहाँ लगा हुआ है, सपोज CH3, यहाँ कोई और ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पे R2 है, ऐसे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, एच नहीं है, क्या इस बार आप बना पाओगे इसमें वो इनोल फॉर्म, बना पाओगे? नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बोनिल, इसके नेक्स्ट वाली कार्बन जो अपने पास एच प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन. तो इनोल फॉर्म बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए. तो मेन रोल यहाँ पे किसका दिख रहा है, मेन रोल दिख रहा है यहाँ पर एच का, अल्फा हाइड्रोजन का. अब किस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो परसेंटेज है इनोल की वो कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर एच के, जो हमारे पास एच है अल्फा एच जो है वो कितना एसिडिक है, जो अल्फा एच है उसकी एसिडिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, उस पर डिपेंड करेगा. सही है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एसिडिटी की, जो कि इस चैप्टर का ना, ये मान लो कि फाउंडेशन है इस चैप्टर की, इस वाले एच की एसिडिटी, सारे रिएक्शन इसी के बेसिस पे होंगे. आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन कैसे होती है. ठीक है, एक और चीज़, ये देखो ये ना इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. एक ही वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है पेंटेन 2-ON को हेक्सेन 3-ON में. ठीक है, ऐसे ही पेंटेन 2-ON को 3-मिथाइल पेंटेन 2-ON में. और फिर ये वाला क्वेश्चन आता है, ये है इस एक्सरसाइज के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. तो ये वाले क्वेश्चंस ना
हम आने वाली क्लासेस में, आज वाली क्लास और आगे वाली मिला के हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी साथ साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो साथ साथ निपटा लें, क्लास में निपटा लेंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस, हम बात करते हैं किसकी, एसिडिटी की। हम ना दो कंपेयर करेंगे, एक तो ये है अपने पास और एक ये है। देखो ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमने ये लिखा, ये है एस्टर, ये है कीटोन, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पर ये, और ऐसे वाले क्वेश्चन ना कभी कभी गलती से नेट में भी पूछ लेते हैं कि इन तीनों में से पी के वैल्यू किसी कम होगी या किसी ज़्यादा होगी, ऐसे वाला ऑर्डर में भी ना पूछ लेते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं नेट में। ओके, तो मेन पॉइंट क्या है, अगर मैं यहाँ से मान लो मैंने कोई बेस ऐड करवाया यहाँ पर, ठीक है, मैंने कोई बेस ऐड करवाया, तो बेस क्या करेगा, उसको चाहिए एसिडिक प्रोटोन, जहाँ से मिलेगा वहाँ से निकाल लेगा, है ना। कहाँ से निकाल सकता है, अगर मैं ये वाला निकाल दूँ, ये बनेगा CH2- H+ जो है वो किसने निकाल लिया, इस बेस ने निकाल लिया मान लो, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब ये जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा स्टेबलाइज। इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ CH2 और यह है CH3, ऐसे दिखा सकती हूँ, ऐसे स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आए तो क्या होगा, इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं अगर कुछ भी करके यहाँ से अगर कैश निकाल लिया जाए तो ये CH2- बनेगा, क्या होगा इसके बाद, ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे, और ये हमने दिखाया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ देखो, इस बार पर नेगेटिव चार्ज है, इसको ब्रेक करवाया हमने, इस बार पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा यही देगा, ये भी तो दे सकता है अपने, यहाँ पर ये भी दे सकता है। इस वाले केस में सिर्फ हमारे पास ये दे रहा था, इसकी वजह से क्या होगा, जितना स्टेबलाइज्ड ये वाला माइनस है, जितना स्टेबलाइज्ड ये वाला माइनस है यहाँ पर, उतना ये नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, इस बार इसको पूरा चांस नहीं मिल रहा, इस बार साइड इसको ऑक्सीजन भी देने वाला, ये भी दे देगा, जैसे मैं उनको ब्रेक करके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, उसको सेटिस्फाई कौन कर सकता है, इसके लोन पेयर्स भी कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है ही, ऐसे हो गया। तो इसके कंपैरिजन में क्या है, ये थोड़ा सा कम स्टेबलाइज्ड है। अब आते हैं इस वाले एग्जांपल, इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो मैंने ऐसे निकाल दिया H, ये बना है, अब देखो क्या हो सकता है, ये भी तैयार बैठा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ भी जा सकता है ये, और ये भी तैयार बैठा है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो यहाँ पर भी जा सकता है। तो मेन पॉइंट क्या है, इस वाले केस में ना ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। रीज़न क्या है, देखो हम बोलेंगे रेजोनेंस है इसका रीज़न, ये हम रेजोनेंस दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बोलूँ, हमारे पास सिर्फ इतना सा ग्रुप है, ये ऐसे ने मान लिया, लेट्स से यहाँ पर माइनस लगाया, और मान लो ये है, रेजोनेंस तो है, वो तो हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस तो है, उसके साथ में कुछ और भी है, क्या बोलेंगे उसको एक्चुअल में, अगर यहाँ पे सिर्फ इसको देखो कैसा ग्रुप है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट से भी लेगा ये, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टाइम तरफ विड्रॉ करेगा और ये इस कार्बन की विड्रॉ करेगा, तो ये माइनस आई लगा सकता है और माइनस एम भी लगा सकता है, ठीक है। तो यही रीजन है स्टेबिलिटी का। अब अगर हम कंपेयर करें इन तीनों को, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, इस वाले केस में ना इनोलिक फॉर्म जो अपने पास थी उसकी परसेंटेज मैक्सिमम थी इक्विलिब्रियम पे, इन दोनों की कम थी। रीजन क्या है, जो ये वाला माइनस होगा ये स्टेबलाइज ना नहीं हो पाएगा जितना ये वाला स्टेबलाइज हो रहा है। तो मेन पॉइंट क्या है, हमारे पास H+ जाने के बाद जो माइनस बनेगा दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो बेस ऐड नहीं करा है, कोई बात नहीं, बेस ऐड नहीं किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, हमें ये पता, हमें करवाना क्या है, हम H को यहाँ पहुँचाना है, हमने करवाना तो यही है, हमें ये करवाना है। तो ये वाला स्टेप कब होगा फेवरेबल, जब हमारे पास ये वाला H एसिडिक होगा, जो यहाँ पर गया है वो एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला एच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसकी वजह से बहुत आराम से निकलेगा, आराम से क्या करेगा, इनोल फॉर्म बनाएगा,
बस अगर एसिडिक है इनोलिक फॉर्म ज़्यादा बनेगी, यही रीज़न है। तो मेन पॉइंट क्या है, हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास अल्फा एच है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है। अब कुछ क्वेश्चन करें, जैसे देखो एक तो मैंने ये लिखा यहाँ पर, ये एक मैंने लिखा यहाँ पे CH2NO2, ये है ठीक है। एक हमने ये ले लिया सपोज, ये CH3 यहाँ पर है और यहाँ पे मान लेते हैं CH2 एंड CH3, ये है। आपके पास दो एग्जांपल हैं, अब मुझे ये बताओ दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। कन्फ्यूजन ना हो इस वाले को गायब करते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम ना क्या करना है, अभी हम नहीं पढ़ रहे अपना थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना देखो, ये आपके पास है ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है कैसे बताओगे। हमें एक चीज़ पता है, अगर हमने यहाँ से H+ निकाल दिया तो क्या होगा, हमें माइनस आएगा। यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर माइनस आएगा। इसको स्टेबलाइज करेगा सिर्फ ये वाला ग्रुप माइनस आई से भी और रेजोनेंस से भी। और इस वाले केस में क्या होगा, नाइट्रो कैसा होता है ऐसे दिखा सकते हैं, इसे प्लस लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड दिखा दो यहाँ पे, ऐसे दिखा सकते हैं है ना। तो मेन पॉइंट क्या है, इसको नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करके, मान लो इसको ऐसे करा हमने, इसको ऐसे दिखा दें यहाँ पे, बना दो बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है उसको स्टेबलाइज करके रखेगा, ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे। तो जो ये वाला एच था अपने पास अल्फा एच, वो ज़्यादा एसिडिक है इस वाले कंपैरिजन में। ओके, ये तो हमने देखी एसिडिटी, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन था, डिफरेंस कहाँ पर आएगा, CH3, ये तो प्लस आई देगा, ये तो प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई से क्या करेगा, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है पीके वैल्यूज का, जो भी एच जितना ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है उसके पीके वैल्यू क्या करेंगे हम, उतनी ही कम होगी। ऐसे लिखो, एसिडिटी जो हमारे पास है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यूज, या फिर हम एक काम कह सकते, एक बात कह सकते हैं यहाँ पर, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। के क्या होता है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वाले ना डायरेक्टली कभी एसिड और बेस के क्वेश्चन में आते एग्जाम में, जिसमें आपको ना तीन चार कंपाउंड दे देंगे, क्या बताना होगा, इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पीके वैल्यू ज़्यादा है तो फिर एसिडिटी कम होगी ठीक है, अगर के ए वैल्यू ज़्यादा है तो फिर एसिडिटी ज़्यादा होगी। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, मान लो मैंने एक एसिड लिखी ठीक है, वीक एसिड है, इसको हमने डिसोसिएट करवा दिया किसमें, H+ और A- में, क्यों क्या लिखेंगे, H+ A- बाय में HA, ये हमने लिखा, हमने ये लिखा। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, वैसे तो जनरल लिखते क्या होगा, हम बोलेंगे इसको क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ओके। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिड की, इसको मैं बोल सकती हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो हम क्या बोलते हैं, जो भी एसिड जितना ज़्यादा H+ देगी, क्या बोलेंगे उसको, उतना ज़्यादा एसिडिक है वो है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास Ka है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, जितनी अच्छी एसिड होगी उसकी H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि Ka की वैल्यू भी ज़्यादा होगी ठीक है। और Pka क्या होता है, Pka होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लगा हुआ आगे ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एसिडिटी और Pka वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो Pka वैल्यू कम ही होगी ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, ये वाले ना जो कंपाउंड्स हैं आपको बार बार देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, बहुत बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। आपको पहले क्या करना है, सबस्ट्रेट से H+ निकालना है। ये बात ध्यान से देखो, हम ना सिर्फ पीके डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, ये इनकी पीके वैल्यूज हैं ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, दैट मींस एसिटिक एसिड इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन सब में से एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे देखो, यहाँ पर आए हम,
ऐसे मैच करते हुए चलो सबको। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी लगा होगा नाइट्रो ग्रुप तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम और माइनस आई बहुत स्ट्रोंग होता है, उसके साथ वाला एच तो पक्का बहुत ज्यादा एसिडिक होने वाला है। तो मेन पॉइंट क्या है हमें ना ये डिस्कस करने, ये दोनों और एक ये आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, एस्टर है, कीटोन है और अपने पास ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला एच बहुत एसिडिक होता है, बहुत हल्का सा कोई वीक बेस होगा वो भी इस एच को निकाल सकता है यहाँ से, ठीक है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इतना समझ गए ना। इसको स्टेबलाइज करने के लिए मेरे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर आओ, इसको सिर्फ ये स्टेबलाइज करेगा, इस वाले केस में क्या है, अगर यहाँ से हमने निकाल दिया इसको, एच को निकाल दिया तो साइड में क्या करेगा, ये भी देने को तैयार है, इसीलिए ये ज़्यादा, ये वाला एच पी के वैल्यू कम है, इसे कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, इसे कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों ध्यान से देखो, एक ये है और एक ये है, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अल्फा एच है इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक किसका है, तो आपको ध्यान रखना है पी के वैल्यू सी कम है इसकी ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ना एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसमें, टिफर में, टिफर में आता है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे ये बनेगा इस वाले केस में, देखो एक एच प्लस निकाल दो वहां से, क्या बनेगा ये, सी एच टू माइनस। अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन सा है, कैसे देखेंगे, कैसे देख सकते हैं, हमें ये लग रहा है कि डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पर भी होना है और यहाँ पर भी होना है, ये दोनों में होगा, डिसाइड कैसे करें, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास 2p होती है, इसके पास भी क्या है 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, और 2p 2p का ओवरलैप क्या होता है, अच्छा होता है, 2p 2p का ओवरलैप अच्छा होता है। यहाँ पर आओ, सल्फर है, सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का है, ठीक है, सल्फर क्या है थर्ड पीरियड, इस बार क्या है 3d होगी इसके पास, तो इस बार क्या होगा 2p और 3d है, यहां से इसमें जा रहे हैं क्वांट, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां पे कितना 2, यहां पे 3 है, n की वैल्यू देखो ना, बट 2 है और 3 है, तो 2 3 से बेटर क्या है 2 2 का ओवरलैप करवाओ, 2p 2p का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होता है 2p 3p से, 2p 3p मान लो या फिर 2p 3d मान लो, इसका ओवरलैप हमेशा अच्छा होता है, और ओवरलैप अच्छा होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसीलिए पी के वैल्यू जो है इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। ये वाला क्वेश्चन टिफर में आया था, उसमें पी के वैल्यू से अरेंज करनी थी। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आओ, अगर पूछा जाए इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, अभी तो मैंने लिखी हुई पी के वैल्यूज, आप कहोगे कि एस्टर ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि पी के वैल्यू कम है, ठीक बात है, पी के वैल्यू कम है ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन रीज़न क्या हो सकता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने H+ निकाल दें यहाँ से, सी एच टू माइनस बनेगा, यहाँ पर डीलोकलाइज भी होगा, कैसे बनेगा, फिर लास्ट में कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकते हैं, माइनस और ये सी एच टू, हमने ये बनाया, इस वाले केस में क्या बनेगा, ओ माइनस, यहाँ पे ओ ई टी, या अपने पास सी एच थ्री, एक सेकेंड सॉरी, ओ माइनस, यहाँ पे क्या है ओ सी ओ ई टी और यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच टू, ये है। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर कौन सा है, तो यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, अपने पास क्या है, यहाँ तो कॉन्जुकेशन इस वाले एल्गिन के पास, और इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटर वाली कार्बन देखो, ये अपने पास अलीन काइंड ऑफ सिस्टम है ना, सेंटर वाली कार्बन पे दो अपने पास क्या है, साथ में क्या बोलते हैं इनको, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, इनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, और ये स्टेबल नहीं होते हैं,
क्योंकि सेंटर वाली कार्बन पे क्या अपने पास दो पाई बॉन्ड्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, स्ट्रेन है सिस्टम में, स्ट्रेन की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसकी एसिडिटी जो है वो इसके कंपैरिजन में कम है। और ध्यान रखना पीके वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये एसिडिटी को सिखा रही हूँ, है ना? सही बात है, क्वेश्चन तो ठीक है। एक चीज़ समझाना था मुझे आपको, वो ये, यहाँ पर आओ मेरी एक चीज़ ना, बहुत ध्यान से सुनना। जितनी ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा कोई कंपाउंड, जैसे मान लो यहाँ पर है, तो इसके प्रोटॉन को निकालने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बल्कि कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एसिड जो है, कोई कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर है, तो अगर बेस वहाँ नाम भी लिखा हो ना, तो आप उसको निकाल दोगे, खुद से निकाल देना H+। वहाँ पे सॉल्वेंट भी कभी कभी बेस का काम कर जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं कराया एरो के ऊपर, यहाँ पे कोई बेस डाला हुआ है, तो समझ ना, आप निकालोगे नहीं, आप निकालोगे इसको, क्योंकि जो हमारे पास जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और उस टाइम पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या कोई नॉर्मल माइल्ड बेस डालने की नीड नहीं होती, कभी कभी सॉल्वेंट भी बेस का काम करता है। तो ऐसे एग्जाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि एरो के ऊपर बेस नहीं लिखा हुआ था, हमने नहीं निकाला प्रोटोन को, तो आप निकालोगे। आपको सारी पॉसिबिलिटी खुद से चेक करनी है। जो हमारे पास ये वाले हैं, आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं NaHCO3 के, अपने पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड बेस है, एक माइल्ड बेस है, तो इसको अगर यूज किया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बहुत आराम से निकालेगा H+ यहां से, है ना? इसको अगर मैं यूज कर लूं सपोज इसके साथ या फिर इसके साथ, इनका ये H+ नहीं निकाल पाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है, सीखने वाली बात ये है, जिस भी स्पीशीज का पीके वैल्यू जितना कम होता है, किसी भी स्पीशीज का पीके वैल्यू जितना कम होता है, उतने ही माइल्ड बेसिस वहाँ से H+ को निकाल सकते हैं आराम से। जिनका पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा उनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस स्पेसिफिकली यूज़ करने होते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ क्लियर हुई, इसका ध्यान रखेंगे। तो इन वाले केसेस में अगर आपको कभी एरो पे कोई बेस ना भी दिखे तो आप खुद से निकाल देना, ज़रूर देखना, पॉसिबिलिटी हो सकता है आंसर वहीं से आता हो, ठीक है? तो मेन पॉइंट क्या है, आपको एसिडिक का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो बहुत एसिडिक है, बहुत आराम से निकलेगा यहाँ से H+। तो ये हमने देख लिया, हमने एसिडिटी की बात कर ली। अभी आते हैं मेन पॉइंट में, जो सीखना चाहते थे वो सीखना हमें ये है। मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा CH2, जैसे यहाँ पे COCH3 है। अब तक मैं बार बार ना इनोल बोल रही हूँ, है ना? मैं बार बार इनोल बोल रही हूँ। मान लो मैंने कोई बेस डाल दिया, लेट्स से NaOH डाल दिया मैंने, NaOH क्या, ये Na+ OH-, हमने ये डाल दिया, क्या होगा? सबसे फास्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन। जहाँ पर भी किसी भी रेज में अगर बेसिक नेचर होगा ना, और कोई एसिडिक प्रोटोन भी होगा सब्सट्रेट में, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवानी है आपको। जो भी रिएक्शन दिख रही है, अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है एसिड बेस, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करवाओगे, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगी, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले निकालेगा इसके H+ को, ये क्या बना देगा H+ निकाल के, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा CH-, और उसमें सिर्फ इतना दिखाया CH3, ये बना CH3, साथ में क्या होगा, इसने निकाला यहाँ से H, ये बन गया इथेनॉल ETOH, ये बन गया इथेनॉल, सही है? एक चीज़ और देखना, माइनस चार्ज यहाँ पर है, तो माइनस का कोई ना कोई काउंटर आयन भी होगा, कौन सा है वो, Na+ है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये वाली रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों करेगी, क्योंकि इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, और हर एक स्पीशीज अपने नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहता है। क्यों हटाना चाहेगा, अभी देखो, इसके पास अभी क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास अभी क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सारा गेम ना एनर्जी का ही है, एनर्जी है हर चीज का ड्राइविंग फोर्स, एक्चुअल में क्या है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये चाहते हैं अपनी एनर्जी को कम करना। अगर ये किसी साथ बॉन्ड बना लेंगे, मान लो मैंने क्या करा, इसका बॉन्ड बना दिया कार्बन के साथ, मान लो ये बना दिया मैंने बॉन्ड इसका, इसका चार्ज खत्म हो चुका है अभी, तो अब ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों हुआ, पहले इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन के पास, अब इसके पास ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही होता है ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन होने का, कि रिएक्शन हुई क्यों रही है। एक चीज़ और देखो, ध्यान रखना, नीचे बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एनर्जी सबसे कम होती है, इसके बाद जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड, मान लो सिग्मा बॉन्ड, देन पाए, देन नॉन बॉन्डिंग, देन
पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अपने पास नॉन बॉन्डिंग है, वो चाहेगा उसकी एनर्जी कम हो जाए। कैसे हो सकती है कम? अगर वो क्या बन जाए, सिग्मा बन जाए, तो बस, तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, इतना ठीक है। ये तो ये वाला बॉन्ड, ये रिएक्शन होती क्यों है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आओ, एक और चीज़ है, इसको देखो, एक ये है और एक अपने पास ये है। यहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम, यहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम। एक चीज़ देखो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो हमारे पास ये मिला है, हमें ये स्पीशीज जो मिली है रिएक्शन के बाद, अगर ये ज़्यादा एसिडिक हो, किससे, इससे, देखो अब ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये भी क्या है, एच प्लस निकल सकता है, एसिडिक तो है। तो मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास रिएक्शन होने के बाद जो ये वाली स्पीशीज बनेगी यहाँ पर, दिस शुड बी लेस एसिडिक देन दिस। अगर ये इससे ज़्यादा एसिडिक हुआ तो क्या होगा, यहाँ से ये सी का निकालेगा वापस एच प्लस, निकाल के वापस ये बन जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है, हम ऐसे रिएक्शन करवाते हैं कि जब भी ऐसा कोई बेस लेंगे, ऐसा कोई लेंगे जिसके पास जो हमारे पास बनेगा न्यूट्रल स्पीशीज जो बनेगी यहाँ पर, उसकी एसिडिटी इससे कम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी और वापस इसको ये बना देगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर होगी तो इसकी यील्ड बहुत कम आएगी। तो मेन पॉइंट क्या होता है, हमें करना होता है कि जो हमारे पास ये बनेगा ना, इसकी यील्ड, मतलब इसका जो हमारे पास एसिडिटी है, दैट शुड बी लेस देन दिस, ये इससे वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो मेन हमने देखा, अब यहाँ पर आओ, हमने अभी ये बनाया है, मैं इसकी रेजोनेंस दिखा सकती हूँ यहाँ पर ऐसे करके, तो क्या बनेगा ये सी एच डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ पर है सी एच थ्री, ऐसे बना है। अगर यहाँ पे H होता, मैं इसको बोलती इनोल, ठीक है ना, अभी मैं इसको बोलूँगी, अभी आयन है ना, इसको हम बोलेंगे इनोलेट आयन, इसको हम बोलेंगे इनोलेट आयन। और इसको हम जो हम पढ़ेंगे आगे, सारी क्लास में जो पढ़ेंगे अभी आगे और जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इनोलेट केमिस्ट्री है, एक्चुअल में सारी रिएक्शन हम इसी के ऊपर करवाने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं इनोलेट, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इनोलेट केमिस्ट्री, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनोलेट केमिस्ट्री, और एक चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी, जो भी हमारे पास नेट या गेट का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत बार हमें ना कार्बोनिल देखने को मिलते हैं, कार्बोनिल ऑलमोस्ट ना हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको छोड़ के चले जाओ, आप अच्छा स्कोर कर जाओ ऑर्गेनिक में, नहीं हो पाएगा। हर जगह आपको कार्बोनिल मिलने वाले, इनोलेट तो मिलेंगे मिलेंगे, इनोलेट के तीन चार क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे हवा में कुछ भी कुछ बोल रही हूँ, जाके आप प्रीवियस पेपर देखो, हर पेपर में तीन चार क्वेश्चन इनोलेट से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं इनोलेट केमिस्ट्री, क्या क्या चाहिए होगा। एक हमें चाहिए होगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, अभी सिर्फ इतना ही मानते हैं, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। उसके साथ चाहिए होगा हमें कोई बेस, क्योंकि हमें इनोलेट बनाना है, ठीक है ना। रिएक्शन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, कितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, मिलेंगे हमें ये सारी चीज़ें। कोई कार्बोनिल होगा, उसमें क्या होगा, अल्फा एच होगा, कोई ना कोई बेस होगा, जहाँ से एच ओ एच प्लस निकाल लेगा, वहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों से हमें मिलेगा इनोलेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा इनोलेट, इनोलेट मिला। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन पर्पज़ क्या था, मेन पर्पज़ था कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं कोई एल्काइलेटिंग एजेंट, कोई एल्काइलेटिंग एजेंट, और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यही तो हमें बनाना था। और ये वाले स्टेप्स ना देखने में जितने सिंपल हैं, एग्ज़ाम में इनको पहचान पाना, रिकग्नाइज कर पाना, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, आप ना कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल कहते हैं, देखो मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ये, लेट्स से हमने ये लिख दिया अभी फिलहाल, ठीक है, हमने ये लिखा। मैंने आपको ये कहा था कि खुद से जो इनोल फॉर्म इसकी जो होगी ना, इनोल फॉर्म जो इसकी है, उसमें तो ये बिल्कुल कितना मिलने वाला है, लेस देन 1% मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं कोई बेस डाल दूँ, मैंने क्या किया, सपोज करो कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, लेट्स से यहाँ पे एल डी डाल दिया हमने, एल डी ना वो भी नहीं लेते, काम करते हैं बेस लेते हैं सिंपल, हमने कोई भी बेस ऐड कर दिया, ठीक है, हमने कोई भी बेस ऐड करवाया, क्या करेगा, देखो अगर मैं बोला पे मैंने एन ए एच डाला है, मान लो एन ए एच डाल दिया, ठीक है,
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि Na प्लस है और OH माइनस है, तो जो OH माइनस है वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से H प्लस भी निकाल सकता है ना। तो देखो मैं क्या बोला था, जब भी हमारे पास चांसेस होंगे एसिड बेस रिएक्शन करवाने के तो हम पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करवाएंगे, ठीक है। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट होती है, स्टार्ट करते हैं। क्या करेगा ये, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, दोनों सेम है कहीं से भी निकाल दो, ये बन गया सी एच टू माइनस और ये सी एच थ्री, ये है। और साथ में क्या आएगा, साथ इसका काउंटर आयन कौन सा, एन ए प्लस, ओ एच माइनस था पहले से, एच एस निकाल लिया अपना, वाटर वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपने पास बन गया है, दिखा सकते हैं ऐसे करके, इनोलेट, ये मिल गया हमें इनोलेट, ठीक है। हमें फर्दर रिएक्शन करवानी है, ठीक है, कैसे करवाएंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एल्काइलेटिंग एजेंट, कोई भी ऐसा रिएजेंट क्या करेगा जो एल्काइलेशन करवा देगा, क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सी एच थ्री सी एल, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सी एच थ्री सी एल, क्या होगा, हमने इसको ब्रेक करवाया यहाँ से, इसका अटैक करा दिया कार्बन के ऊपर, क्या बनेगा, सी ओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, क्या बना लास्ट में, ऐसे लिख दो चाहो तो, कार्बन है लगे हुए थे दो एच, नेगेटिव चार्ज था, ये बन गया बॉन्ड, हमें चाहिए था सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास सी एच थ्री, लास्ट में क्या मिला, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इनोलेट केमिस्ट्री जो हमारे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने का बहुत बेस्ट मेथड होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन देने को मिलते हैं यहाँ से इनोलेट केमिस्ट्री से, ठीक है। ऐसे करके हमने बना लिया क्या, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ना ये तो एक जनरल रिएक्शन तुमने करवा दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या हमेशा यही मिलने वाला है, नहीं, हमने जितने भी लिखे थे पहले जिनका हमने पी के डिस्कस किया है वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। सबके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बस, क्योंकि हमें इनोलेट बनाना है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर इनोलेट भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें एक बेस चाहिए होगा, बेस बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लिखा होता है एन ए ओ ई टी इन इथेनॉल, इन इथेनॉल, ये हो सकता है, या फिर एन ए ओ एच हो सकता है, या फिर एन ए एच, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हो सकता है, एल डी ए हो सकता है, एम ई ओ एन ए हो सकता है, जो भी आपके माइंड में आए ना बेसिस सारे लिख लो। बेसिस का प्रॉपर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल, ठीक है, उसमें सारे बेसिस डिस्कस करेंगे, अभी ना इतने काफ़ी हैं, अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। यहाँ पर आओ, ये हो गया, क्या चाहिए, अल्फा एच बेस हो गया जो हमारा एच प्लस निकाल दे। नेक्स्ट ये अपने पास, ये तो बन जाएगा, ये क्या अपने पास, इसको मैंने बोला था एल्काइलेटिंग एजेंट। अब हमें ये समझना है कि एल्काइलेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ना लिखो एल्काइलेटिंग एजेंट, यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं। यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ से हमें कार्बन मिलेगा जिसके साथ हमारा इनोलेट वाला कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा, है ना, यहाँ से हमें कार्बन मिलने वाली है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉन्ड बनाने, कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड बनाने, ठीक है, ओके। क्या हो सकता है, सबसे पहले नंबर पे एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड जो हमने पहले भी लिखा था, क्या सी एच थ्री सी एल, क्या है पास, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी जनरली नहीं लेते हैं, लिखो टर्शरी वाले केस में पुअर यील्ड आती है। अब ये भी समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो प्राइमरी का मतलब मान लो मैंने क्या लिखा यहाँ पे सी एच थ्री सी एल, ये हमारे पास क्या है, हैलाइड, जो हमारे पास जो हैलोजन है वो जिस भी कार्बन से अटैच हो, क्या हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी हैलाइड बोल रहे हैं। सेकेंडरी कैसे हो सकता है, इस कार्बन को मैंने दो कार्बन से अटैच करवा दिया यहाँ पे ऐसे करके, एक इसके पास एच है और लगा दिया सी एल, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच किया अपने पास सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना, सेकेंडरी हो गया। टर्शरी वाले केस में आपको टर्शरी देखने को मिलता नहीं है बुक्स में, जनरली आपको ना नहीं मिलेगा एग्जाम में भी टर्शरी नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले केस में आते हैं पुअर यील्ड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस जाते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, ध्यान रखो हमारा इनोलेट बन चुका है, हमें फर्दर स्टेप करवाना है नेक्स्ट, मान लो ये है अपने पास, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर अपने पास ये बना हुआ है,
ये और यहाँ पे बना हुआ है CH3, ठीक है। ओके, क्या करवाएंगे हम इसको यहाँ से निकालेंगे, हम चाहते इसका डैग यहाँ पर हो, फिर इस वाले कार्बन का बॉन्ड बने इस वाले कार्बन के साथ। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि ये टर्शरी हमारे पास है, तो जैसे ही यहाँ से निकला एलिमिनेशन हो सकते हैं। कहाँ से हो गया एलिमिनेशन, लेट सपोज इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे CH2 लगाया, यहाँ लगा दिया H। जैसे ये निकला यहाँ से, इसने ऐसे एक सेकेंड यहाँ से H+ निकल गया, क्या बनेगा CH3, और ये बस डबल बॉन्ड CH2, HCl बाहर गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ओलिफिन है। मैक्सिमम गैस में ओलिफिन क्या होते हैं, गैसेज होती हैं, तो गैस अगर रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा वो, तो है ना। इसकी वजह से क्या करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन के चांसेस हैं, तो मैक्सिमम तो प्रोडक्ट जो बनने वाला क्या होगा, वो हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम चाहते हैं ना, ये वाला बनने हमारे पास, ये COCH3 और ये CH2 कार्बन लगे तीन, तो स्केल बहुत कम आएगी। मान लो आपका 98% ये बन गया और सिर्फ 2% ये बना है, तो क्या ही करेंगे ऐसे बनने का, है ना। इसकी वजह से क्या करते हैं, टर्शरी वाले को नहीं लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अगर कोई अलाइलिक कंपाउंड है, अलाइलिक हैलाइड हो सकता है या फिर बेंजाइलिक हैलाइड भी हो सकता है, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। अलाइलिक कैसे, इस पर लगा हुआ है Cl, ये भी रिएक्शन देगा। बेंजाइलिक कैसे, पहले बेंजाइल बनाओ, CH2 है, इस पर लगा दो Cl, यहाँ से निकालो, टैकर वो बनेगा यहाँ से भी। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, एल्काइल हैलाइड, जो कि हमें बहुत ईजी भी लगते हैं देखने में, लेकिन बहुत पहले से करते आने वाले काम है ना। तो पहला तो ये हो सकता है, लेकिन हमेशा एल्काइल हैलाइड होगा ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट जो होता है अपने पास, सल्फोनेट्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सल्फोनेट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ सल्फोनेट आयन क्या होता है, आप क्या कहोगे, SO4-2-, है ना। अगर आपके माइंड में आया है SO4-2-, तो क्या है, सल्फेट है ये, सल्फोनेट नहीं है। फिर S2- सल्फाइड है ये, तो सल्फोनेट क्या होता है, सल्फोनेट होता है, अच्छा आपको पता है सल्फोनिक एसिड क्या होती है, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम में आते हैं, सल्फोनेट्स देने को मिलते हैं। सल्फोनेट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हमें मिलते हैं सल्फोनिक एसिड से मिलेंगे। अब सल्फोनिक एसिड क्या होती है, देखो इन जनरल मैंने कोई R लगा दें, यहाँ पे कोई ग्रुप है, S है, डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड है। इसको ध्यान से देखो एकदम, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से H+ निकाल दूँ, ये बनेगा O-, और ये है मेरा सल्फोनेट आयन। और आपको ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हमें लगता है बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड से लिखा हुआ है, हम तो होने वाला नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। R के प्लेस पे मैं लगाऊँ यहाँ पे CH3, ऐसे भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं मिथेन सल्फोनेट, ठीक है। कभी कभी ना ये भी मिलता है हमें देखने को, मानो मैंने लगाया CH3 पैराटोलविन सल्फोनेट, ऐसे भी मिल जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है, ये हमारे पास बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। अब सिर्फ आपके रिवीजन में बता देती हूँ लिविंग ग्रुप कैसे देखते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। अब कोई भी ग्रुप कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कितना बुरा है, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके निकलने के बाद वाली स्टेबिलिटी के ऊपर। जैसे मान लो हमारे पास ये है, मैंने यहाँ से मान लो OH- निकाल दिया, निकलेगा नहीं कभी, ठीक है, मैंने निकाल दिया, यहाँ से क्या बना, ये OH- बन गया। एक मान लो कुछ ऐसे था, ऐसे करके कुछ है, ये ऐसे हमने लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ ऐसे करके। अब मैंने एक में ये निकाल दिया किसी भी केस में, तो तुम्हारे पास ये रिलीज हुआ, क्या है, ये इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, एक ये है। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कैसे देखोगे, ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ना स्टेबिलिटी की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। निकलने के बाद भी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, शांति से बैठेगा। इस वाले केस में क्या करेंगे, अगर आप निकाल भी दोगे, अब ये स्टेबल तो है नहीं, अगर ये स्टेबल नहीं है वापस अटैक करेगा, तो आपको लगेगा किसी हार्मोन निकल ही नहीं रहा है, तो OH- बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है। अब क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चलेगा
एक तो आप चेक करोगे स्टेबिलिटी, एक और चीज़ अगर आपको चेक करना है अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज निकलती है, अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज निकलती है उनके पास वो अच्छा लिविंग ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिएक्शन में आप वाटर निकाल दो अच्छा लिविंग ग्रुप है, मिथेनॉल निकाल दो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इथेनॉल निकाल दो ये भी निकल जाएगा, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है. लेकिन OH- निकालना बहुत मुश्किल है, निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है. तो पहली बात तो ये है न्यूट्रल स्पीशीज क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से निकलेंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है. सेकंड बात आती है किस पे, नेगेटिव चार्ज पे. अगर किसी स्पीशीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो ध्यान रखो अगर वो किसी भी फैक्टर की वजह से स्टेबलाइज्ड अगर है तो वो निकल जाएगा, वरना उसको बिल्कुल नहीं निकालना है, वरना उसको बिल्कुल नहीं निकालना. जैसे हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी की वजह से एग्जिस्ट कर लेगा, ऐसे यहाँ पर आओ, अगर ये निकलेगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट कर लेगा स्टेबिलिटी की वजह से, इसलिए क्या होता है हमारे पास अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. तो मेन पॉइंट क्या है, हमें चाहिए था एल्काइलेटिंग एजेंट, क्या करेंगे हम एक लिविंग ग्रुप को बाहर करेंगे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है ना. तो सेकेंड हमारे पास होते हैं सल्फोनेट्स होते हैं, क्लियर है. अब आते थर्ड पे, थर्ड होते हैं अपने पास, हम बोल सकते हैं थर्ड होते हैं इपोक्साइड, ले लो कोई भी इपोक्साइड. अब ये कैसे, सपोज अपने पास ये वाला इनोलेट है, हमने ये लिखा है यहाँ पे CH2-. एक चीज़ देखो, हैलाइड वाले केस में लिविंग ग्रुप था, सल्फोनेट वाले केस में भी लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है दिख तो नहीं रहा. एक चीज़ तो दिख रही होगी, थ्री मेंबर रिंग है हमारे पास, क्या है, थ्री मेंबर रिंग है. क्या इसमें स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेन है. और अगर स्ट्रेन है तो इसको तो बस बहाना चाहिए होता है, कुछ भी करके ना बस खुल जाए ये रिंग, इसको अपना स्ट्रेन खत्म करना होता है, कुछ भी करो बस इसको खोल दो. क्या कर सकते हैं, हमें करवाना इसका स्ट्रेन कम, हमने ऐसे ब्रेक करवाया यहाँ से अटैक करवा दिया बस रिंग ओपन हो गई, हमारा काम बन गया. ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. तो इपोक्साइड को भी हम क्या करते हैं, एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं. अब फोर्थ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, इनको भी हम यूज़ करते हैं एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट. अब क्वेश्चन आएगा कि देखो अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ CH3OH और मैं आपको कहूँ क्या करना है, आपको ऐसे करके इस पर अटैक करवाना है, आप कहोगे अभी आपने बोला कि OH- बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है, फिर इसको निकाल कैसे रहे हम, ना तो ये स्टेबल है, ना तो फिर कोई रेजोनेंस होने वाली है ना, ना ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, निकलेगा कैसे फिर. तो देखो इतने प्यार से तो निकलने से रहा, OH- नहीं होता अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं निकलेगा, तो हमने डायरेक्टली नहीं निकाल सकते उसको, लेकिन फिर भी अगर इसको यूज़ करते हैं हम एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, वो कैसे. तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक रिएक्शन की जिसका नाम है मिट्स-उनोबी रिएक्शन. इस रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हमें नहीं आती वो बात अलग है, बट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. इसका पर्पस क्या होता है, इस रिएक्शन का पर्पस होता है OH जो है बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलेगा, क्या करना होता है OH को कन्वर्ट करना होता है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में. कुछ भी करना है आपको रिएक्शन में, क्या करना है, हमने सब्सट्रेट अपने पास है वहाँ से OH निकालना है. तो ये होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का काम. आप एक काम करेंगे, इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, आप एक काम करोगे आप ना पढ़ के आओगे मिट्स-उनोबी रिएक्शन, ठीक है. एक और चीज़, मैंने ना एक रिएक्शन मतलब एक वीडियो बनाई थी एप्पल रिएक्शन के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अगर आप वो भी देख लेते हो तो समझो आपको ये वाली रिएक्शन भी आ गई, ठीक है. क्या करते हैं इसमें, हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में. OH कभी भी ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है. इस वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि हमारे पास एप्पल रिएक्शन में कैसे होता है, OH को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई और मेथड क्यों नहीं अच्छा होता, ये वाला मेथड अच्छा क्यों होता है. इसमें एक रिएजेंट होता है डेड, जो काफ़ी पॉपुलर है नेट और गेट के एग्जाम में, नेट में स्पेसिफिकली आपको बहुत बारी रिएजेंट ना देखने को मिलता है. तो आप एक काम करेंगे अभी के लिए, अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि कंटिन्यू करना है कैरेक्टर्स वाली बुक जो अपने पास है, अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो पहला काम क्या करना है, आपको साथ अपना होमवर्क ना साथ करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना एकदम रेडी हो गया होगा, हाँ हमें आता है ये, हम कन्वर्ट कर सकते हैं OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में. अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, ये वाली रिएक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में भी करवा दूंगी, ठीक है, इस क्लास से कंटिन्यू करेंगे. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अपना रिव्यू पक्का देना कैसा लग रहा है पढ़ के,
आज वाली क्लास बहुत बेसिक गई है, बट नेक्स्ट आज क्लास हम सीरियस वाला स्टार्ट करेंगे कि हाँ एल्कालेशन होता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, एक और काम करेंगे, जितना मैंने आपको आज पढ़ा है ना आज वाली क्लास में, उसकी जो PDF है उसका अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, हैप्पी लर्निंग।